السلام علیکم ناظرین سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے۔ نظامیہ طبی کالج اور شفا خانہ چار مینار میں ایک ہفتہ طویل کلین اور گرین پروگرام کا جمعرات سے آغاز عمل میں آیا۔ پرنسپل اور ایڈیشنل ڈائریکٹر محکمہ آیوس ڈاکٹر احسان فاروقی کی نگرانی میں اساتذہ اور طلبہ کی کثیر تعداد نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر احسان فاروقی نے بتایا کہ پچھلے 40 سالوں سے نظامیہ طبی کالج اور شفا خانہ چار مینار میں مؤثر انداز کی صفائی مہم نہیں کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں عمارت کے کونے کونے میں کچرا جمع ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر کلاس روم کے سامنے کچرے کا ڈبہ نصب کیا جائے تاکہ کچرے کی بر وقت صفائی ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ تمام طلبہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تعلیمی اوقات میں اپنا آئی ڈی کارڈ ساتھ رکھیں اور ایبرون زیبتن کر رکھیں، جبکہ تدریسی عملے کو بھی اس پر عمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ बताता हूँ, मैं डॉक्टर मोहम्मद अहसन फारूकी, प्रोफेसर इंचार्ज प्रिंसिपल इंचार्ज एडिशनल डायरेक्टर, आपके सामने मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज जो कि चार मीनार के दामन में वाक़ है और मक्का मस्जिद के अपोजिट में है, यहाँ पर एक एशिया का सबसे बड़ा तिब्बी कॉलेज है और यहाँ पर निजामिया जनरल हॉस्पिटल है। यहाँ पर 180 बेड्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस बाउंड्री के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक क्लीन एंड ग्रीन ड्राइव चलाया जा रहा है, जो कि एक हफ्ते के तक मुश्तमिल होगा। और इस क्लीन एंड ग्रीन ड्राइव में आप देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम के तमाम स्टूडेंट सफाई में मसरूफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चीज़ एक बरसों से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम नहीं हुआ था और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बरसों के बाद हो रहा है। और ये जो क्लीन एंड ग्रीन ड्राइव का मकसद ये है कि हम जिस जगह तालीम हासिल करते हैं उस जगह का जो अहाता हो, साफ़ सुथरा हो। और निजामिया तिब्बी कॉलेज जो कि एशिया में सबसे बड़ा तिब्बी कॉलेज है और जो यहाँ पर तालीम जो मेडिसिन की जो तालीम दी जाती है, इसको हमारा मकसद ये है कि बहुत ही साफ़ सुथरे माहौल के अंदर हो। और यहाँ पर हम इंशाल्लाह इन 8 दिनों के अंदर क्लासेस को भी साफ़ करेंगे, डिपार्टमेंट को साफ़ करेंगे, वार्ड्स को भी साफ़ करेंगे इंशाल्लाह, और सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह 8 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए, सियासत के प्लेटफॉर्म के जरिए मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मतलब कि इन चीज़ों का उजागर किया जाए, हाईलाइट किया जाए और आवाम नास को इसके मुतल्ला किया जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कि निजामिया जनरल हॉस्पिटल जो किस जाना जाता है फालिज के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दिल के अमराज, जिगर के अमराज और किडनी के अमराज, ये सारे के सारे अमराज का काफ़ी इलाज है। यहाँ पर हर साल कम से कम 36 तलबा पीजी रिसर्च करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट रिसर्च करते हैं और 36 टॉपिक पर रिसर्च होता है, जो 3 साल पर मतलब मुनहसर होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रिसर्च होता है वो सारे आलम के अंदर जो है इसके प्रोटोकॉल भेजे जाते हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी प्रोटोकॉल इंशाल्लाह अब की बार भेजे जाएंगे। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मतलब कि स्क्रीन ग्रीन ड्राइव में जितने भी अहबाब मीडिया से आए हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और डॉक्टर अशरफ साहब जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हमारे कॉलेज के डेवलपमेंट के रुकन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस सिलसिले में आपकी भी हमारी मदद की ज़रूरत है। कलेक्टर जिला हैदराबाद से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और हमारे रोशिनी मैडम जो हैं मतलब कि जो IAS हैं, हमारे जो इंचार्ज डायरेक्टर हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मतलब कि हमारे इन एक्टिविटीज़ को इंशाल्लाह उसमें मदद करें और इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर आप देखेंगे कि आप हमारे कॉलेज और हमारा हॉस्पिटल साफ सुथरा होगा।